सो फाइनली ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं जिसका नाम है सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर, मार्केट के अंदर लॉन्च तो हो गई है, लेकिन आप सभी लोगों का सवाल होगा कि ये इसकी डिलीवरी कब होगी स्टार्ट, या फिर ये मार्केट के अंदर कितना इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमें कितना टाइम और लगेगा इसको डिलीवरी लेने के लिए, या फिर हमें कितना टाइम लगेगा इसको बुकिंग करने के लिए, क्या हम कितने अमाउंट के अंदर इसकी बुकिंग कर सकते हैं, इसकी ईएमआई क्या होगी, या फिर हमें इसका अगर कैश में करते तो हमारा अमाउंट कितना लगेगा, या फिर हम इसको ऑफलाइन भी क्या परचेज कर सकते हैं, तो आप इन सभी सवालों के जवाब आज मैं देने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है आर के व्हीकल ब्लॉग से यूट्यूब चैनल में, और अगर आप नए हैं तो प्लीज यूं ही कमेंट करते रहिए और अपने सवालों के जवाब यहां पे आपको मिल जाएंगे। सो मैं आज आपका दोस्त और होस्ट आपको बताऊंगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की सारी जानकारी मैं दूंगा छोटे से वीडियो के अंदर, सारी जानकारी आपको और एकदम प्रॉपर तरीके से और विद प्रूफ के साथ में, ताकि इससे आपको ये भी ना हो कि कंपनी फ्रॉड ना हो, क्योंकि सवाल यही था कि सब लोगों का कि भैया कंपनी फ्रॉड है, बट आपके सारे जवाब यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं दोस्तों। सो वीडियो के अंदर ज्यादा डीपली जाने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स दिखा देता हूँ जो कि कल सुभाष राजकुमार ने किए, जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, या फिर सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उसके ये फाउंडर है। सो फाइनली इन्होंने किया है कल ट्वीट जो आपके सामने दिख रहा है इन्होंने, जिसमें लिखा है कि दिस वीक वी आर ऑफिशियली आर्गुडेटेड कुछ समथिंग सिंपल विजन 1.0 आवर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दैट विल बी सेट ए न्यू ब्रांच मार्क फॉर द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ आवर फ्लैक्स व्हीकल द सिंपल वन। अगर इसका तोड़ तोड़ छोटा मोटा मैं जवाब दूँ तो इन्होंने साफ बोल दिया है कि हमारी इंडिया के अंदर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो सेटअप हो चुका है, जो कि इन्होंने पहले बताया था वो रियल नहीं था, बट अब इन्होंने सेटअप स्टार्टअप कर दिया। लगभग पर डे का 10,000 कुछ समथिंग इनकी गाड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चर होगी, तो कहीं ना कहीं ये लाजवाब है। अब आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो पहली पिक्चर है ये है इसकी फैक्ट्री की, जो कि है आउटलेट से। अब बात करते हैं इसके इनलेट से, मतलब इसके अंदर से। आउटलेट का मतलब ये होता है कि इसके बाहर से मैंने दिखाई है और अंदर का अब मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। सो फाइनली ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि गाड़ी इसके अंदर सेकंड पिक्चर में देखोगे तो गाड़ी किस प्रोसेस से बन रही है, थर्ड के अंदर इमेज के अंदर देखोगे तो गाड़ी के जो ऊर्जे पुर्जे या फिर जो मोटर वोटर किस तरीके से बिल्ड होती है, थर्ड के अंदर ये गाड़ी पूरी बन के तैयार हो गई आपके सामने। सो कुछ इस तरीके से ये अपडेट्स थी जिन्होंने कल अपलोड करे और मैंने आपको दिखा दिए, ताकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम लगे। तो अगर 10,000 पर डे का अगर मैन्युफैक्चर इनका हो रहा है तो ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है कि ये गाड़ी मार्केट के अंदर जल्दी आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी डिलीवरी स्टार्ट कब होगी, तो मैं बता देता हूँ इसकी डिलीवरी जो स्टार्ट होगी फेब के एंड वीक के अंदर होगी, मतलब फेब के अंदर, या तो स्टार्टिंग फेब या फिर मिड फेब या फिर एंड द फेब, बट कहा जा रहा है कि एंड द फेब के अंदर इसकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी मैं आपको गारंटी साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैं इस कंपनी का फाउंडर या फिर ओनर नहीं हूँ, तो मेरे पास जो जानकारी आई वो मैंने आपको बताई। सो बताइए तो कैसे लगी जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँगा। जो मेन चीज़ होने वाली है वो मैं बताऊँगा गाड़ी के अंदर, कि आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो ये गाड़ी आपको कैसे मिलेगी, और गाड़ी अगर बुक कर सर्विस बुक करनी है तो आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से आपको सेंसर देखने को मिलेंगे, क्या इसके गाड़ी के ब्रेक पैड कितने चलेंगे, कितना किलोमीटर हमें चेंज करने पड़ेंगे, और वियर सेंसर, मतलब कि कहने का मतलब ये कि ये सारे से जो सेंसर किस बेस के ऊपर काम करेंगे, क्या ये सेंसर वाटर प्रूफ होंगे या नहीं होंगे, आपकी जो टच या फिर डिस्प्ले जिस पर आप काम करेंगे, जिसे आप टच करके गाड़ी को पूरा मेंटेन करेंगे, क्या वो भी वाटर प्रूफ होगी या नहीं होगी, चार्जर जो है इसका किस टाइप का होगा, पोर्टेबल होगा या फास्ट चार्जर होगा, तो इन सभी चीज़ों का आज मैं आपको एक एक चीज़ और डीपली बता देता हूँ। सो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि देखो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो होगी 105 किलोमीटर, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, ठीक है। और अब बात करते हैं हम अंदर इसके अंदर टच के, 0 to 40 किलोमीटर की जो स्पीड है कितने सेकंड में टच कर जाएगा, ये मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। 0 to 99 सेकंड के अंदर आपकी ये जो स्पीड है ये टच कर देगी। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। देखो हम कोई भी गाड़ी या कोई भी हम कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो पहले उसका हम प्रॉफिट देखते हैं, तो रेंज हमारे लिए सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर हमें रेंज अच्छी ना मिले तो फिर क्या मतलब है गाड़ी का, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन सब चीज़ों के लिए सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो रेंज की अगर बात करें तो इसके अंदर 236 IDC रेंज क्लेम करती है, और ये इसके अलावा जो ये बेस मॉडल की और टॉप मॉडल की हम बात करें तो इसके अंदर आपको 300+ किलोमीटर रेंज देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके मोटर पावर, जो कि कुछ लोगों का सवाल था कि भैया इसका मोटर पावर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 8.5 kW का इसका मोटर, किलोवाट इसका मोटर का पावर देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी कैपेसिटी, तो बैटरी की जो कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी 4.8 kWh की इसकी बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। अब बात करते हैं कि भैया
बैटरी को फुल चार्ज करने में हमें कितना टाइम लगेगा, और बात करें फुल चार्ज के अलावा इस गाड़ी को कितना यूनिट ये लगेगी जिसके अंदर ये फुल चार्ज होएगा। तो देखो मैं बात बता देता हूँ, इस गाड़ी के फुल चार्ज होने के अंदर जो यूनिट लगेगी लगभग 2 से 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, या फिर टोटल हम बात करें तो 28 रुपीज़ का इसके अंदर टोटल बजट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि छम 12 36 18, मतलब अगर 6 1 रुपये 1 यूनिट का 6 रुपये भी होता है तो 18 रुपये को समथिंग बताया, बट राउंड ऑफ मिला के 28 इसके अंदर बताया गया है। चार्जिंग अगर हम टाइम की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.75 to 3 आवर्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों चार्जर आपको देखने को मिलेंगे वो फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज होगी। बात करें इसके अंदर टायर को घुमाने के लिए जो मोटर है वो यूज़ कर रही है, वो क्या यूज़ कर रही है, देखो अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेल्ट सिस्टम, बट यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट अच्छी जो चीज़ है जो इसको टॉर्क दे रही है इतना हाई फाई, तो उसका रीज़न एक ही है, यहाँ पे आपको देने को मिल रहा है चेन सिस्टम जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आता है। अब जब बात टॉर्क की आई गई है या फिर इसकी अच्छी खासी पिकअप की आई गई तो हम इसका टॉर्क भी बता देते हैं। तो थैंक यू सो मच उन सभी भाइयों का जिन्होंने टॉर्क के रिगार्डिंग पूछा। सो टॉर्क की अगर बात करें तो इसका मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो होगा 72 Nm, मतलब 72 Nm का इसका टॉर्क देखने को मिलेगा। बूट स्पेस की अगर हम बात करें इसके अंदर 38 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। टोटल वेट की हम बात करें तो लगभग इसकी जो कैपेसिटी रहेगी 180 kg की इसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, मतलब आप 2 जनों या 3 जनों को लेकर कवर कर सकते हो। और बात करें हाइपर चार्जिंग के अंदर, तो हाइपर चार्ज होने के अंदर लगभग आपको लगेंगे इसके अंदर 100 किलोमीटर की रनिंग के लिए आपको मिनिमम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 35 मिनट, और जैसा कि देखा जा रहा है अगर बेस मॉडल आप लेते हैं तो उसके अंदर 68 किलोमीटर की रेंज को चार्ज करने के लिए आपको मिनिमम लगेगा 75 किलोमीटर, तो कहीं ना ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ कुछ फीचर्स हैं जो बहुत लाजवाब है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सो आपको इसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, मोबाइल ऐप आपको देखने को मिलेंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप बोलोगे कि मोबाइल कनेक्टिविटी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ मोबाइल कनेक्टिविटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ, जिसकी वजह से आप अपने स्कूटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं अब और भी सारी चीज़ों की, तो देखो मोबाइल जहाँ पे कनेक्टिविटी बात आ गई तो वहाँ पे वाईफाई का भी आपका क्वेश्चन होगा कि भैया अगर मोबाइल कनेक्ट हो रहा है इसका मतलब वाईफाई भी कनेक्ट होगा, तो जी बिल्कुल हाँ, आपका एकदम सोचना सही है। इसके अंदर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलेगी, साथ के अंदर आपको जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल मिलेगा और वो भी टच के साथ में, और प्लस मैनुअल, ये दोनों चीज़ मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप के अंदर दिखा देता हूँ जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपको डिजिटल क्लिप, मतलब ये जो डिजिटल मीटर है वो आपको, और या फिर स्पीडोमीटर हम जैसे बोलते हैं, दोनों आपको हैज ए डिजिटल और प्लस मैनुअल भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों तरीके से आप सेट इसे कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी की बात जो मुझे लगी वो लगी चोरी की। देखो क्या होता है कि हम आज गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा हमें मोटा मोटा जो डर लगता है कि यार हमारी गाड़ी चोरी ना हो जाए, क्या पता अगर कोई चोर आया हमारी गाड़ी को उठा के ले गया तो हम क्या करेंगे। तो इसी चीज का को ऊपर ध्यान देते हुए इस कंपनी ने सबसे बड़ी जो चीज़ लॉन्च की है वो है एंटी थीफ अलार्म, मतलब कि अगर ये गाड़ी आपकी चोरी होती तो आपके मोबाइल के अंदर SMS आएगा, आपके मोबाइल के अंदर अलार्म आएगा, और साथ ही में सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपका जो टायर है जाम हो जाएगा तो गाड़ी वैसे भी नहीं चल पाएगी, और साथ में आपको अलार्म देखने को मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बेस्ट है। बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो इसके अंदर 1000 टाइम आपको बैटरी लाइफ या फिर रिसाइकिल हमें बोल सकते हैं जिन्होंने आपको ये दिया है। अब इसके अंदर और भी फीचर्स जो कि ओला S1 Pro या फिर जो आने वाली टॉप इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर जो आती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। वो फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, जो एडिशनल फीचर्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल फीचर में आपको देखने को मिलेगा प्रॉक्सिमिटी अनलॉक या फिर लॉक, ठीक है, रिमोट से बूट स्पेस लॉक, मतलब आप इसके अंदर आपको एक चाबी देखने को मिलेगी जिससे आपकी लॉक और अनलॉक हो जाएगी। बात करते हैं इसके अंदर कॉल की, तो देखो आपको कॉल कनेक्टिविटी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो कॉल आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल आप रिजेक्ट भी करते हैं। साथ ही इसमें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मैसेज कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू आपके जो मैसेज जो आएंगे जो भी वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल, तो देखो आपको कॉन्टैक्ट भी इसके अंदर एक्सेस मिल जाएगा, मतलब जैसे आप एक्सेस करोगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट जो मोबाइल के अंदर वो इसके अंदर आ जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट रीडायल करने में या फिर कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसा कि 4-व्हीलर गाड़ियों के अंदर होता है। बात करते हैं इसका अपॉइंटमेंट की, देखो फोर आपको अगर किसी भी अपॉइंटमेंट बुक करनी है फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कंपनी से कंप्लेंट करनी है तो आप चलती गाड़ी के अंदर भी अपने स्क्रीन पे क्लिक करके और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, तो आपको इस चीज़ का भी कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक,
बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीजें जो मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपकी गाड़ी को लॉक करना है तो आप सोचोगे कि यार की से ही लॉक हो तो जरूरी नहीं है, इसके अंदर आप की से भी लॉक कर सकते हो। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्टीयरिंग लॉक का भी इसमें ऑप्शन आता है जो आपके मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी स्कूटी चोरी हो जाती है और आपको लगता है अलार्म भी नहीं बजा या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड एरर की वजह से, तो इसके अंदर आपको फाइंड माई डिवाइस की और फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई स्कूटर का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है या जहाँ पे भी चोरी हुई है वो आपको लोग देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एप्पल कनेक्टिविटी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसके ब्रेक पैड की तो 10,000 किलोमीटर तक की आपको इसके अंदर वारंटी देखने को मिल जाएगी ब्रेक पैड की, और इसी के साथ में आपको सेंसर देखने को मिलेगा कि आपका ब्रेक पैड कितना खराब हुआ कितना नहीं हुआ। साथ ही में आपको फ्रंट एंड बैक के अंदर डिस्क ब्रेक मिलेगा, और इसी के साथ में एक फीचर जो सबसे बेस्ट है कि आपकी गाड़ी के अंदर हवा कितनी है, तो इसके अंदर आपको आगे और पीछे के लिए हवा का जो डिजिटल मीटर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके अंदर चार्जर टाइप की, तो चार्जर टाइप का आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक तो पोर्टेबल और एक फास्ट चार्जर। तो कैसी लगी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन? आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ट लगी होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज मैंने इस गाड़ी की सारी डिटेल वीडियो इसके अंदर बना दी है ताकि आपके जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो जाए, और सारे जितने भी फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। आपको फिर भी और कोई फीचर्स आपको इसके बारे में जानना हो, पहचानना हो या फिर समझना हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे ट्विटर अकाउंट के अंदर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं आरके व्हीकल ब्लॉग्स के नाम से, आपको सारी जगह मिल जाएंगे। सो आज का वीडियो यहीं पर मैं करता हूँ समाप्त, और आप सभी को ये इन सब चीज़ों की जानकारी दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें जानकारी मैंने प्रॉपर तरीके से दी होगी और प्रॉपर तरीके से बताया होगा। अगर आपको सारी वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर दूंगा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सपोर्ट करें और अपना प्यार मोहब्बत इस जज्बात यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।